हेलो स्टूडेंट, क्लास एट ज्योग्राफी चैप्टर 3। ये हमारे चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ मिनरल्स, मतलब हमारे जितने मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है हमारी डे बाई डे लाइफ में भी और हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक है, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें मिनरल्स यूज होते हैं। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। तो जो जेम्स होते हैं वे हार्ड होते हैं, मिनरल्स जो उनके लिए मिनरल्स यूज किए जाते हैं वे थोड़े हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी। तो ये क्या, ज्वेलरी में जैसे हम देखते हैं ना, कोई बोलता डायमंड है, कोई बोलता है कि जेम्स हैं। जेम्स यानी कि जो हरे काले पीले लगे रहते हैं उसमें, तो उसको हम जेम्स बोलते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइंस टू पाइप्स। एक कॉपर एक ऐसा मेटल है जो बहुत सारी जगह पे, जैसे कॉइंस भी कॉपर के मिलते हैं और पाइप भी कॉपर की मिलती हैं। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेंड फ्रॉम क्वार्ट्ज। जो सिलिकॉन है हमारा जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है वो हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेंड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। जो एल्यूमिनियम है उसका और है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट से निकालते हैं और ये हमारी ऑटोमोबाइल में और एरोप्लेन इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर, इसको हम बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा। अब देखो इन्होंने दिया हुआ है लिस्ट यूज ऑफ एनी 5 मिनरल्स। आपको किसी भी 5 मिनरल्स की लिस्ट बनानी है तो आप बना सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अभी आता है कि हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो मिनरल्स होते हैं वे हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि वे ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं हो जाते। उनको बहुत सारा टाइम लगता है पृथ्वी को वापस रिजनरेट करने के लिए, तो वे नॉन रिन्यूएबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज चाहें और आज फिर से उनको प्रोड्यूस कर पाएँ। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब हजारों लाखों साल लग जाते हैं इनको वापस मिनरल्स को बनने में। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम्स दीज मिनरल्स। जो फॉर्मेशन की रेट है वो बहुत कम है जितना कि हम उसको कंजप्शन कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। ठीक है, तो जो हम प्रोसेस माइनिंग करते हैं उस टाइम पे जो प्रोसेस करते हैं उसमें जितना वेस्टेज होता है उसको हमें कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ द मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। जो रिसाइकलिंग होती है यानी कि जो हमारा कोई पुराना आइटम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गया, तो उसको हमें ऐसे कूड़े कचरे में फेंकने से अच्छा है कि उसको हम रिसाइकल करें और फिर से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने पूरा एक फिगर भी दिया हुआ है। सबसे पहले रिसाइकल करने का, रीयूज करने का और रिड्यूस करने का। सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस यानी कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे, जितना मतलब हमें रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ करें और वेस्टेज ना करें। उसके बाद जो चीज़ें ख़राब होगी उसको हम रिसाइकल कर लेंगे और उसके बाद उसको दोबारा यूज़ में लेके आएंगे। तो इस तरह से जो भी हमारा होगा उससे हमारे मिनरल्स कंजर्व हो सकते हैं। ठीक है, अभी आता हमारा पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज में क्या होते हैं, सन इज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। ठीक है, जो सनी की माँ है वो सुबह सुबह क्या करती है, गीजर को स्विच ऑन करती है। सी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। तो क्या करती है, सुबह सनी के उठने से पहले उसके स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस करती है। सी देन रशेस टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। फिर वो क्या करती है कि किचन में जाती है और ब्लेंडर से उसके लिए एक गिलास जूस बनाती है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। तो जब उसकी मामा उसके लिए खाना बना रही थी स्टोव पे, तो उसने आवाज़ लगाई कि सनी अगर आपने स्नान कर लिया तो आप बाहर आ जाइए और अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए।
वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन। जब सनी स्कूल जाता है तो उसको याद नहीं रहता और लाइट्स और फैन को चलता छोड़ के चला जाता है। व्हेन मदर स्विच्ड देम ऑफ सी थिंग्स दैट लाइफ इन द सिटीज मे बी मोर कंफर्टेबल बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज लेड टू ए वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। तो उसकी माँ क्या सोचती है कि जो अर्बन एरिया में जो शहरों में जो लाइफ है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बट क्या वो बहुत सारे डिपेंडेंट है बहुत सारे गैजेट्स पे। गैजेट्स जैसे कि हम डे बाई डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे जूस बनाने के लिए उसकी माँ ने ब्लेंडर को यूज़ किया था, आयरन करने के लिए प्रेस को यूज़ किया था। तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसको हम डे बाई डे यूज़ करते हैं और वो किस पे चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाई डे हमारे नए चीज़ें साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस की है और उनकी वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। जो पावर होती है और एनर्जी होती है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री में मशीन को चलाते हैं तो वहाँ पे हमें पावर की चाहिए। एग्रीकल्चर में हमें पावर की चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पावर चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें पावर चाहिए एंड डिफेंस के लिए भी हमें पावर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हर एक फील्ड में पावर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अभी जो भी पावर रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कन्वेंशनल को हम हिंदी में बोलते हैं परंपरागत। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल रिसोर्स एनर्जी के वे हैं जो हम एक लंबे समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं कॉमन यूज़ के लिए, ठीक है। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। जो फायरवुड है लकड़ी है और फॉसिल फ्यूल्स हैं वे क्या होते हैं, हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले फायरवुड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो जैसे हम घरों में गांव में देखते हैं कि भाई पानी गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए लोग फायरवुड का यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम द वुड। जो गांव में जो 50% एनर्जी है वो फायरवुड से ही मिलती है, क्योंकि हर काम के लिए, हम छोटे छोटे कामों के लिए फायरवुड का यूज़ करते हैं वहाँ पे। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स गोट कन्वर्टेड बाई द हीट एंड प्रेशर इन टू फॉसिल फ्यूल। जो हमारे पौधे हैं और हमारे एनिमल्स हैं उनके रिमेन्स मरने के बाद जो भी बच गया वो धरती के नीचे मतलब बहुत सालों तक दबे रहे और जो धरती का प्रेशर था और वहाँ पर जितनी नीचे जाके हीट होती है उसकी वजह से वे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। अब देखो ये दो तीन चीज़ें ये कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑयल और नेचुरल गैस का। ऑयल के यहाँ पे एडवांटेज दिए हुए हैं, डिसएडवांटेज दिए हुए हैं और नेचुरल गैस के एडवांटेज दिए हुए हैं। अभी ऑयल देखो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स, हम टैंकर्स में ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ईजी है, ठीक है। बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेसिस है जो वहाँ से ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं हम। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। तो जो ऑयल स्पिल हो जाता है, हमारा गैस लीक हो जाता है, उससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड क्यूज्ड एसिड रेन, इन चीज़ों के जलाने से, ऑयल के जलाने से जितने भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनसे हमारे यहाँ पे एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी। जो नया फ्यूल हम जमीन से निकालते हैं ड्रिल करके, बोर करके, जैसे हमने पहले पढ़ाया, तो उसका एक्सप्लोरेशन नए फ्यूल का
इतना आसान नहीं है। अब देखो नेचुरल गैस एडवांटेज देखते हैं हम, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस, हम नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, और ये हमारी ऑयल और कोल से क्लीन गैस भी है। चिपर देन ऑयल, और हमारे ऑयल से सस्ती भी पड़ती है। अभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड कोल एंड हाइड्रल पावर आएंगे। अभी हम इन चीज़ों में आएंगे। फायरवुड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम। EGSS, हमें फायरवुड क्या है बहुत आसानी से मिल जाती है, कहीं पे भी हमारे पेड़ होते हैं उनको काट के हम सुखा के यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये क्या है, एक बहुत सारे बड़े तबके को, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इन टाइम कंज्यूमिंग, उसको मतलब लेके आना उसमें बहुत सारा टाइम लगता है हमारा। पोल्यूटिंग, तो ये क्या होते, बहुत सारा धुआं निकलता है और उससे पोल्यूशन होता है। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब इससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ता है और हमारा टेम्परेचर जमीन पे बढ़ जाता है। डिफोरेस्टेशन, अब देखो अगर हमें लकड़ी चाहिए तो हमें जंगलों को काटना पड़ेगा, तभी पेड़ कटेंगे, तभी हमें लकड़ियाँ मिलेंगी, तो इसलिए हमारे फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है और डिफोरेस्टेशन हम उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल। कोल का एडवांटेज देखते हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, इफेक्टिव कन्वर्जन और टू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये होता है एक्सटेंसिवली अवेलेबल है और इसका जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिसिटी में वो एफिशिएंट इन द सेंस कि एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब जितना हम कोल डालते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लाइट बनती है वो ज़्यादा बनती है, एनर्जी बनती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है प्रोड्यूस। डिसएडवांटेज क्या होगा, पोल्यूटिंग सोर्सेज, तो कोयले से भी हम अगर चलाते हैं तो उससे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जिससे हमारे पोल्यूशन बढ़ता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, अभी देखो कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए हमें, या फिर हमें ट्रेन में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हाइडल पावर, नॉन पोल्यूटिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आता है तो हाइडल पावर होता है नॉन पोल्यूटिंग, इससे पोल्यूशन नहीं होता। प्रोमोट्स इरीगेशन एंड फिशिंग, चीप सस्ता भी होता है और इससे इरीगेशन और फिशिंग होता है। हाइडल पावर होता है जैसे पानी को इकट्ठा करके हम बांध बना के, तो तब वहाँ से जो बिजली पैदा करते हैं उसको हम हाइडल पावर बोलते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, अभी हम डैम बनाएंगे तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ से डिस्प्लेस करनी पड़ेगी। इन अनडेट लो लाइंग रीजन्स, एक्सपेंसिव टू सेटअप, मतलब वहाँ पे सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो लो लाइंग रीजन वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी, द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, अभी ये जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी हैं इनके रिजर्व्स हमारे पास लिमिटेड हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, अब जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम उसका कंजप्शन भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से जितना, लेकिन जो उसके फॉर्मेशन का टाइम है उससे बहुत तेज़ी से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए ये जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। अभी हम कोल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके और